हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, लेंस क्या होता है आपके? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सरफेस इसकी पॉलिश्ड नहीं होती। ठीक है, अब जैसे हमने मिरर में देखा था कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के थे अपने? दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सेम चीज़ यहाँ पर आएगी कि लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज भी आपके दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है आपका? कॉन्वेक्स। दूसरा क्या होता है? कॉनकेव, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से होता है आपका? दिस वन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं आपकी। ये सेंटर पॉइंट, जैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। जैसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज होती हैं आपकी जो लेंस मिरर में था आपका? क्या? सी और एफ। तो यहां पर सी ना होके क्या होगा? 2F1। ठीक है ना, ओ और 2F1 का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? F1। ठीक है, अब यहां पे तो है, अब यही चीज अपोजिट साइड भी होगी, क्योंकि अब इमेज कहां बनेगी? अपोजिट साइड, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, सीधा रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये F2 और ये ट्वाइस ऑफ F2। ओके, ये स्ट्रेट लाइन क्या है आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फर्स्ट 2F, सेकंड 2F। ओके, अब सेकंड लेंस होता है आपका कौन सा? कॉनकेव। कॉनकेव किस तरीके से होगा आपका? ये क्या कहलाएगा आपका? कॉनकेव। सेम नोटेशन इसी में भी रहेगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, दिस वन इज F1, दिस वन इज 2F1, ये F2, दिस इज द 2F2। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड। मतलब जहां पर इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और जहां पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इतने कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन, इमेज किस तरीके से बनेंगी। ठीक है, हम देखते हैं अभी इसी में कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में क्या होगा आपका? रूल्स आर सेम, जो भी रूल्स थे हमारे, है ना, जो रिफ्लेक्शन में पड़े थे वही रूल्स यहां पे भी एप्लीकेबल होंगे। जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आई, ठीक है ना, तो वो रिफ्रैक्ट होके कहां से निकलेगी आपकी? सेकेंड फोकस से, दिस वन। ठीक है, ये आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी? फोकस से। ओके, तो ये अपन ने काय का देख लिया, ये कब हो गया? जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां मिली हमें? फोकस पे। और कौन सी इमेज मिली आपकी? पॉइंट इमेज। कोई प्रॉब्लम इतने में? तो ये इमेजेस आपकी पूरी बनी हुई बुक में, आप लोग ट्राई कीजिएगा, रूल्स वही लगाना जो हमने रिफ्लेक्शन के रूल्स लगाए थे। ठीक है, तो एक बार रूल्स देख के आपको ये पूरी इमेजेस परफॉर्म करनी। इमेजेस आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेंगी, पेज नंबर 179 एंड 180। ठीक है, और जो टेबल बनी हुई 178 पेज पर, उसको आपको याद करना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये टेबल आपको लर्न करनी है और इमेज बना के आपको देखनी है पूरी। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्ट रखना है, देन आफ्टर आपको उसकी इमेज बनानी है। ओके, अब देखते हैं अपन क्या लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ओके, वी और यू आपको रिफ्लेक्शन में बताया था मैंने क्या होता है, यू क्या
रिफ्लेक्शन में क्या था, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। अब यहां पर आपका U क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी U, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी V, ठीक है, कोई डाउट। अब ये तो हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। सेम मैग्निफिकेशन भी आपका वही है जो हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, क्या M इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, आई क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आई क्या है हाइट ऑफ द इमेज, और ओ क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज द मैग्निफिकेशन। अब इसमें एक चीज क्या आती है, पावर, कि लेंस की पावर क्या होगी। तो पावर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस, पावर पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक है। तो पावर क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ये कि पावर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है पावर की। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, क्या होती है डायोप्टर, ठीक है। तो ये आपका रिफ्रैक्शन भी यहां खत्म होता है, ओके। कोई भी डाउट हो तो आप स्कूल में कभी भी आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।